अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, तो वेलकम करता हूँ जी आपको अपनी यूट्यूब चैनल प्रिंस हाई फ्लाइंग में। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, सुबह का अपडेट ये था कि सुबह स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने आपको उस टाइम पे भी दिखाया था। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो इस वक्त कबूतरों को दाने का टाइम है। मैं छत पर आ चुका हूँ, ये आप चेक कर सकते हो। इस वक्त हमारी छत पे तकरीबन 3 से 4 इंच के करीब बर्फ़ जमा हो गई है। तो इस वक्त कबूतरों को दाने का टाइम है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। हमारे कबूतर इस वक्त दाना खा रहे हैं और स्नोफॉल का भी एंजॉय कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो ये। लेकिन आधे कबूतर अभी बुरा मान रहे हैं बर्फ़ में बाहर निकलना और दाना चुगने के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम बढ़ गया है। जहाँ तक आपको पता ही है, पिछले दिनों में अभी गर्मी थी, धूप निकल रही थी, थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी थी, फिर मौसम ख़राब हो गया, बारिशें लग गई, तो टेम्परेचर फिर से डाउन हो गया है। कबूतरों को भी एडजस्टमेंट करने में थोड़ा बुरा लगता है, तो आपसे ये कहूँगा कि अपने कबूतरों की केयर कीजिए अच्छे से। तो इंशाल्लाह कल एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको एक पानी बताऊंगा जो इस मौसम में आपके कबूतरों को फिट रखेगा, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट रखेगा और गर्मी उनको रखेगा, तो वो वीडियो आप कल लाजमी ज़रूर देखिएगा। तो फ़िलहाल अभी कबूतर हमारे दाने पे आ गए हैं, दाना खा रहे हैं, तो ये आप चेक कर सकते हो इस वक्त की स्नोफॉल जो हो रही है। इस प्रेजेंटली भी इस वक्त भी स्नो हो रही फॉल हो रही है, आप ये चेक कीजिए कर सकते हो। ये आप चेक कीजिए, ये मैं आपको छत का आगे पीछे आपको विजिट करवा रहा हूँ, आप ये चेक कीजिए कितनी स्नोफॉल हो रही है। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, क्योंकि हम बोल रहे थे कि बर्फ़ पड़नी चाहिए, बर्फ़ पड़नी चाहिए, फाइनली अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली तो बर्फ़बारी हो गई श्रीनगर सिटी में भी। तो लास्ट में आपसे ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियोस को। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।